हेलो, आज एक और ओरिजिनल थ्योरी वीडियो के साथ टॉपिक होने वाला है कि कैसे फ्यूचर में हमें एक फाइनल रोड पोनेग्लिफ के लिए मस्त वाला फाइट देखने मिल सकता है। मांगा स्पॉयलर्स होने वाले भर भर के वीडियो में, तो मांगा वाले ही रहे, एनमे वाले जाए, एंड लेट्स बिगिन। तो एज वी ऑल नो कि अभी के टाइम पर लूफी के पास 3 रोड पोनेग्लिफ्स हैं एंड उसको अब बस एक और रोड पोनेग्लिफ चाहिए, फिर वो निकल जाएगा लॉफ टेल एंड फिर बन जाएगा पायरेट किंग। लेकिन हियर इज़ द थिंग, लास्ट रोड पोनेग्लिफ एट प्रेजेंट कहाँ पर है किसी को नहीं पता। किसी का तो नहीं बट लूफी लोगों को तो नहीं ही पता है। अब रॉजर के फ्लैशबैक की वजह से वी नो फॉर श्योर कि ये मिसिंग रोड पोनेग्लिफ कहाँ पर था, फिशमैन आइलैंड में। हाँ, अगर कुछ लोगों को लगता है कि बिग मॉम वाला रोड पोनेग्लिफ फिशमैन आइलैंड वाला है, तो ऐसा नहीं है। बिग मॉम के पास पहले से एक रोड पोनेग्लिफ था जिसके कॉपी को रॉजर ने चुराया भी था। बिग मॉम वाला रोड पोनेग्लिफ मुझे जहाँ तक लगता है कि एलबेफ का था। कमिंग बैक टू फिशमैन आइलैंड वाला रोड पोनेग्लिफ, तो ये रोड पोनेग्लिफ गया कहाँ? क्योंकि जब लूफी लोग फिशमैन आइलैंड गए थे तब वहाँ पर सिर्फ जॉयबे के एलोपोजी वाला पोनेग्लिफ था। मुझे लगता है कि इस रोड पोनेग्लिफ के गायब होने में व्हाइटबियर्ड का हाथ था। ऐसा क्यों बोल रहा है मैं? क्योंकि पैरामाउंट वॉर से पहले फिशमैन आइलैंड व्हाइटबियर्ड के टेरिटरी में ही आता था, तो इट्स पॉसिबल कि व्हाइटबियर्ड ने वन ऑफ द 4 रोड पोनेग्लिफ को अपने पोजीशन में रखा था, जस्ट लाइक काइडो एंड बिग मॉम। अगर ऐसा केस है तो फिर व्हाइटबियर्ड के मरने के बाद इस रोड पोनेग्लिफ का क्या हुआ? आई थिंक इसका आंसर है मार्को। कैसे? तो देखो, व्हाइटबियर्ड के डेथ के बाद, यू रिमेंबर शैंक्स और मार्को बात कर रहे थे व्हाइटबियर्ड और एस के ग्रेव के पास, तो व्हाट आई थिंक इज कि मार्को ने उस टाइम बात बूत करके उस रोड पोनेग्लिफ को एक ट्रस्टवर्दी योंग को, ए के ए शैंक्स को दे दिया। इधर पे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर ऐसा केस है तो फिर ब्लैकबियर्ड ने उस रोड पोनेग्लिफ को क्यों नहीं चुराया? वो भी तो चुरा सकता था ना, आफ्टरऑल वो भी व्हाइटबियर्ड पायरेट्स का ही मेम्बर था। बट हियर इज द थिंग, पैरामाउंट वॉर से पहले ब्लैकबियर्ड में इतना गुदा ही नहीं था कि वो व्हाइटबियर्ड के अंडर से एक रोड पोनेग्लिफ ले जाए। इधर पे एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि मार्को तो अभी वानों में था, है ना, तो फिर वो लूफी को क्यों नहीं बताया फाइनल रोड पोनेग्लिफ के बारे में? क्योंकि मार्को लूफी के उसके ड्रीम को पाने में हेल्प नहीं करना चाहता है, वो बस हल्का सा एड करने आया था वानो। सी हिज फीट्स भाई, उसने मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रॉ हैट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। वो वानो इसलिए नहीं आया था कि उसको लूफी को बचाना था लमाओ, ऑल ही एवर वॉन्टेड वॉज टू गिव अ लिटिल हेल्प टू एस ब्रदर, तो वाई वुड ही हेल्प लूफी इन अचीविंग हिज ड्रीम? मार्को तो यही चाहेगा ना कि लूफी खुद से पाए लास्ट रोड पोनेग्लिफ। तो अगर अपन मान ले कि ये सब एक्चुअली में हुआ है, भाई कुछ ज़्यादा ही मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइटबियर्ड के डेथ के बाद भी 3 योंकोस एक एक रोड पोनेग्लिफ को अपने पोजीशन में रखे थे। नाउ यहाँ तक तो आई एम श्योर तुमने किसी ना किसी के मुँह से तो सुना ही होगा। हाँ, मैंने इसको खुद से सोचा है, बट दैट डजंट मीन कि इसको कोई और सोच नहीं सकता। करोड़ लोग सोच के बैठे होंगे भाई, मुझे पता है, बट इज़ दैट इट? क्या इतने में ही मेरी थ्योरी ख़त्म हो जाती है? नहीं, हाल ही फिलहाल में वी ऑल नो कि लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड हो रहा है। दिस वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड फाइट आई मस्ट से, एंड इस फाइट में अगर ब्लैकबियर्ड जीत जाएगा, चूँकि वो मोस्ट लाइकली जीत ही जाएगा, तो फिर उसके पास भी लूफी जैसे 3 रोड पोनेग्लिफ आ जाएगा। एक बिग मॉम वाला रोड पोनेग्लिफ और 2 लॉ का रोड पोनेग्लिफ, मतलब वानो और जो वाला। तो ब्लैकबियर्ड को भी फिर लूफी जैसे ही बस वो एक लास्ट मिसिंग रोड पोनेग्लिफ चाहिए होगा। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि शैंक्स के पास भी 3 रोड पोनेग्लिफ ही होंगे फ्यूचर में। उसको 3 रोड पोनेग्लिफ्स कहाँ से मिलेंगे? वेल, वी ऑल नो कि शैंक्स वानो आया था, राइट? एंड वानो से निकलते टाइम लूफी के लॉ के पास 3 आइलैंड थे चूज़ करने के लिए। लूफी जिस आइलैंड को चूज़ किया वो है एगहेड आइलैंड। एगहेड में शैंक्स करेगा ये क्या, बताओ, थिंक अबाउट इट। लॉ ने जिस आइलैंड को चूज़ किया वहाँ पे उसको ब्लैकबियर्ड मिल गया, तो उधर शैंक्स हो नहीं सकता, विच मीन्स कि शैंक्स लूफी और लॉ वाले आइलैंड पे नहीं गया, बल्कि 3rd वाले आइलैंड में गया है जहाँ पे किड भी गया है। वी ऑल नो कि शैंक्स भी अब निकल गया वन पीस खोजने, तो जस्ट लाइक ब्लैकबियर्ड इट्स पॉसिबल कि शैंक्स भी तीनों में से एक आइलैंड में वेट कर रहा था। अगर ऐसा है, मतलब अभी जैसे ब्लैकबियर्ड वर्सेस लॉ हो रहा है, वैसे ही दूसरे आइलैंड में किड वर्सेस शैंक्स भी हो रहा होगा, जिसमें ऑब्वियसली किड हारे गई, मतलब शैंक्स के पास भी किड वाले रोड पोनेग्लिफ्स आ जाएंगे, i.e. वानो और होल केक वाले रोड पोनेग्लिफ्स, विच मीन्स कि शैंक्स को बस एक जो वाला रोड पोनेग्लिफ चाहिए होगा। नाउ हियर इज़ द थिंग, शैंक्स को डायरेक्टली जो से तो रोड पोनेग्लिफ मोस्ट लाइकली नहीं मिलने वाला, ड्यू टू द फैक्ट दैट सुनेशा अपने लोकेशंस चेंज करती रहती है कॉन्स्टेंटली। तो सिर्फ एक ही तरीका है लास्ट रोड पोनेग्लिफ पाने का, एक्चुअली 2 तरीका, लूफी को हरा के या ब्लैकबियर्ड को हरा के। एंड ब्लैकबियर्ड और लूफी के पास सिर्फ एक ही तरीका है लास्ट रोड पोनेग्लिफ को पाने का, उनको शैंक्स को हराना पड़ेगा।
तो वी कैन सी अ फाइट बिटवीन लूफी शैंक्स एंड ब्लैकबियर्ड। यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं कि लूफी और शैंक्स तो नहीं लड़ेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी ब्रो। अगर ऐसा हुआ कि शैंक्स इसलिए भी लास्ट रोड पोने के लिए रखा है ताकि लूफी उसको हरा के उसे ले जाए, तो थिंक अबाउट इट, शैंक्स को लूफी से क्या चाहिए? शायद वो चाहता है कि लूफी उसको सरपास करे, एंड लूफी ने भी बोला था ना कि वो सब यौन को इसको हराएगा, दैट मीन्स वो शैंक्स को भी हराना चाहता है। लेकिन इधर पे ब्लैकबियर्ड को भी शैंक्स का रोड पोने ग्लिफ चाहिए होगा, एंड इधर पे गॉड वैली तो होने वाला नहीं है वापस से, राइट, कि लूफी ब्लैकबियर्ड हाथ मिला रहे शैंक्स को हराने। भाई लूफी चांटे मारेगा ब्लैकबियर्ड को वहीं पे, अगर बोला भी अगर ब्लैकबियर्ड ऐसा कुछ कि हाथ मिला लेते करके। तो व्हाट वी कैन सी इज कि लूफी वर्सेस शैंक्स हो रहा है और साइड से ब्लैकबियर्ड ठप्पा कर रहा है, या फिर ब्लैकबियर्ड लूफी और शैंक्स को ट्रेमर ट्रूमर मार के कुछ तरीके से शैंक्स से लास्ट रोड पोनेग्लिफ को चुराने की कोशिश कर सकता है। एंड इधर पे इन सब का फ़ायदा आउकीजी भी उठा सकता है कुछ हरकतें करके, मे बी जो कि मरीन्स के फेवर में होगा शायद। एंड ऐसा करके तीन योंकोस का एक ऑल आउट फाइट का तो पता नहीं, बट एक अच्छा खासा फाइट ज़रूर दिख सकता है लास्ट रोड पोनेग्लिफ के लिए। एंड जो इस फाइट में जीतेगा वो बनेगा पायरेट किंग, एंड उसे मिलेगा One Piece।